हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो मैंने पोल किया था अभी, हाँ ये वाला, कि अगर आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा है तो कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, अगर एक्यूरेसी लेवल ख़राब है, जैसे लेट से 40% एक्यूरेसी है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, तो उनके लिए फ्यूचर अच्छा रहेगा कि ऑप्शन। तो 54% लोगों ने कहा फ्यूचर। तो फ्यूचर का मैं बता देता हूँ कि फ्यूचर जो है इंस्टेंट मूव देता है, तो वो तो बेटर है ही। अगर जैसे लेट से कि दिस इज़ निफ्टी बैंक, और यहाँ पे आपने, आपको पता है कि लेवल ए पे मुझे शॉर्ट करना है, लेवल बी पे बुक करना है, तो फ्यूचर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ लोग ऑप्शंस में जाना चाहते हैं किसी ना किसी रीज़न से। अब क्या रीज़न है वो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ। और ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हो, ये जो स्टंट अकाउंट है मेरा आस्था पे, यहाँ पे ओकेशनली ट्रेड्स होते हैं, रोज़ नहीं होते, बट ओनली फॉर यूजिंग 2 लॉट्स। और 5,000 रुपये लगा के आप ये देख सकते हो, 3,000, 2,000, 5,000, 900 और इस टाइप के प्रॉफिट है। अभी ये 5,000 तो कैपिटल डबल ही हो गया था। तो और अभी यहाँ पे एक लॉस भी हुआ था यहाँ पे ये फ्राइडे को, 1,260 रुपये, तो इसलिए कुछ विड्रॉल नहीं किया है। बट प्रॉफिट बड़े हैं और लॉस छोटे। तो इसका मैं एक्चुअली क्या ट्रेड करता हूँ ऑप्शंस में, कुछ लोग को क्यूरियोसिटी है जानने का, तो वो ही मैं बता रहा हूँ इस वीडियो पे। तो लेट से कि आपको पता है ए से बी जाएगा प्राइस, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन पे जाओगे, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, तो यहाँ आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ अगर, तो बहुत सारे लोगों ने बोला ITM। ठीक है, तो ITM का मतलब ये जो येलो वाला बॉक्स आप देख रहे हो, ITM है, और ये OTM है वाइट वाला। तो अगर मैं 31,100 का कुछ लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ पे, 31,100 आप देख सकते हो यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो अगर हम इसको इस मूव से कंपेयर करें, जो कि निफ्टी बैंक में मैं बात कर रहा हूँ लेवल ए टू लेवल बी, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट भी बना रखा है, 6 तारीख का चार्ट है ये, और इसको मैं हटा देता हूँ। और आप देख रहे हो टाइम जो है वो है 1:45 से 2:10। तो 1:45 से 2 मिनट में अगर हम 31,100 CE हम देखते हैं, अगर इसको हम शॉर्ट करते, तो 1:45 यहाँ पे 512 से 353। ओके, तो 512 से 53 हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, 512 353 इन 31,100 CE। ठीक है, अभी हम एक डीप ITM ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लिया हमने और ये वाले ले लिया, 30,700 600 का कॉल ले लिया। चलिए 30,600 का कॉल ले लिया, ठीक है, डीप ITM में। अभी यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐसे, 30,600 का कॉल में हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पे 1:45 पे ये था 915 से 716, 915 से 716। अभी हम निफ्टी बैंक का ले लेते हैं, एन बैंक, निफ्टी बैंक में हम अब हम पता करेंगे कितने पॉइंट्स था एक्चुअली। ये था हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट से 31,467 से 31,464 ले लेते हैं, और 31,245। ठीक है, तो अभी हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना पॉइंट था। तो 31,464 नेगेटिव 31,245, 219 पॉइंट ये बैठ रहे हैं हमारे। अभी हम अगर ये 30,600 लेते तो 915 नेगेटिव 716, 199 हमें यहाँ मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल। अभी अगर हम ये ले लेते तो 512 में से 300, यहाँ 159 ही मिल रहे हैं हमें। ओके, ये है हमारा ITM है,
ये हमारा है डीप आईटीएम, ठीक है। डीप आईटीएम हो गया 30,600, 31,100, या 30,600 में दिखाया ना, ये हो गया आपका डीप आईटीएम, ये है आईटीएम। तो कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, वो रहेगा आपका डीप आईटीएम, क्योंकि यहाँ पे 200 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली दे रहा है ना आपको, और जितना डीप जाते जाओगे उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ, 30,200 अगर ले लिया, 30,200 ले लिया अगर का कॉल, तो यहाँ पर देख रहे हो कि डैश डैश डैश, ये इलिक्विड है, ठीक है। इलिक्विड चीज़ों को हमें नहीं पकड़ना है, क्योंकि इलिक्विड चीज़ों को हम ट्रेड इंट्राडे में करेंगे ना तो फंस जाएंगे। अभी ये यहाँ से जंप किया ना जब, तो निकल नहीं पाएंगे, दिक्कत ये एकदम से जंप करता है वो। तो हमें ऐसा कोई स्ट्राइक प्राइस खोजना है जो लिक्विड हो, तो इसको हम डिलीट कर देंगे 30,200 के कॉल को। ओके, अभी हम 30,500 अगर देखें यहाँ पे है, तो ये तो लिक्विड है, ठीक है, चल रहा है, इतना चलता है। अभी 30,400 अगर दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे डला हुआ है 30,400, ये फंसा देगा आपको, डैश 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 डैश। ये एक्सपायरी जब आएगी ना, अगर प्राइस वहाँ जाएगा ना, तो इसमें जान आएगी। अभी ये बेजान है, ये डैश 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 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, तो इसको भी हम हटा देंगे 30,400 को। तो अभी बेस्ट जो रहेगा वो 30,500 चलेगा, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर यहाँ पे 30,600 है ना, अभी 30,500 भी देख लेते हैं, 1,45, 1,012 से 800 लिख लो, कितना है ये, 1,012 माइनस 800, ये है हमारा 30,500, ठीक है। तो 30,500 में अगर हम ट्रेड करते तो 1,012 माइनस 800, 212 पॉइंट मिलता, इससे ज़्यादा है ना ये, इस बार 30,600 से अच्छा 30,500। बट ऐसे नीचे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, तो वहाँ तक चले जाओ जहाँ तक आपको अंधेरा मिल जाए, मतलब 30,500 है तो ठीक है, तो 30,400 में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ अंधेरा मिलेगा ना, यहाँ पे अंधकार है, तो यहाँ पे फंस जाऊँगा मैं। तो इसको मैं डिलीट करके, मेरा अभी बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा जो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, अगर मेरा एक्यूरेसी लेवल हाई है, तो वो होगा 30,500। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं किस हिसाब से स्ट्राइक प्राइस चुनता हूँ। यूजुअली ये तभी काम करता है व्हेन यू आर वेरी वेरी एक्यूरेट। अगर आप में को थोड़ा एक्यूरेसी का प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स से 40% एक्यूरेसी है, तो ये बहुत नुकसान भी दे सकता है, उल्टा करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपने देखा कि 200 पॉइंट यहाँ जंप किया। बट क्वेश्चन ये आता है कि देखिए, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब वो परफेक्शन जानते हैं, प्राइजेक्शन जानते हैं, बट यूजुअली उनके पास फंड्स नहीं है या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो यहाँ पे अगर आप फ्यूचर्स लेते हो तो 10,000 से 30,000 तक बैठता है आपको पर लॉट। बट आस्था ट्रेडिंग है वो आपको 2,500 रुपये ही में ही ऑप्शन बाई सेल अलाउ करता है, और मार्जिन भी ज़्यादा नहीं है, जस्ट 40 रुपये पर बाई सेल है पर ऑर्डर। तो ये बेनिफिट उनको हो सकता है, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया जो 2,500 को 5,000 मेरी तरह बनाना चाहते हैं। बट इट्स ओनली गुड फॉर स्मॉल कैपिटल। बड़ा अभी आप सोच रहे हो 50,000 लगाओगे, तो वो एक्चुअली वो काम तो जो मैं करता हूँ वो मनी मैनेजमेंट के साथ ही करता हूँ। बट ये छोटा कैपिटल है, 5,000 लगा के 5,000 बनाया, दैट्स ओके। बट अगर इसी को मैं, अगर मैं 5 लाख को 10 लाख बनाना है, तो वो मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के लिए बनाऊंगा, उसमें मैं ये 5 लाख नहीं लगाऊंगा, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि देर वी कैन टेक सच रिस्क। और अगर एक्यूरेसी है आप में तो बिल्कुल कर सकते हो, बट देर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ रिस्क जिसके बारे में सभी को अवेयर करना चाहूँगा कि डोंट मोटिवेट फ्रॉम दिस अंटिल यू हैव सम श्योर शॉट एक्यूरेसी। जैसे कि अभी अगर आप मेरे मेंटीज हो या फिर ट्रेनिंग लिया, तो यू नो अबाउट द एक्यूरेसी सेटअप्स यूजली, कि सारे लेवल हमें पता होते हैं, हर एक का डेफिनेशन भी यहाँ पे मिलता है आपको। एज यू कैन सी अभी यहाँ पे 96% एक्यूरेसी लेवल जो मैंने अपने टेलीग्राम में पोस्ट किया था, तो उसमें से बहुत सारे लोगों को डाउट था इसमें, तो ये समझाया, फिर सारा डाउट क्लियर हो गया। ओके, ऑल द डाउट्स क्लियर आफ्टर एक्सप्लेनिंग इन दिस वीडियो। सो दैट्स हाउ एक्चुअली
हम प्राइस एक्शन हमारा एकदम सटीक है, तो हम बिल्कुल पैसे बना सकते हैं ऑप्शन से भी। ऑप्शंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा इफ़ यू नो द एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होती है कि हमें लेवल पता है, और लेवल पता होने के बाद भी हमें टारगेट भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेवल पता चलने के बाद शॉर्ट तो कर दिया, पर हम वेट कर रहे हैं कि कहाँ एग्जिट करूँ कहाँ एग्जिट करूँ, क्या पता जल्दी एग्जिट कर लिया तो पूरा प्रॉफिट नहीं मिला। सो दैट वे ऑल्सो योर अकाउंट विल नॉट ग्रो, यू हैव टू एक्चुअली नो द टारगेट एज वेल। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे शॉर्ट करते तो सिंपल EMA 50 जो है वो टारगेट हमें बता रहा है। सो दैट्स एक्चुअली द एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को बताया। डीप ITM इज़ द आंसर, करेक्ट आंसर। अगर मैं इसमें ये जो मैंने पोल किया है यहाँ पे, फ्यूचर्स पहला ऑप्शन है। ऑप्शंस में जो लोग एक्साइटेड है जानने के लिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिट देता है, वो होता है डीप ITM। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।